देखिए, बड़ा भ्रम टूटता है, बहुत अच्छी बात है। मेरे एक मित्र, मेरा जूनियर है सिद्धार्थ चतुर्वेदी, तो उसने कहा कि सर आप 14 साल बाद बेरोजगार हुए हैं, अब आपको बेरोजगारी का दर्द पता चलेगा। मैंने 25 साल के करीब नौकरी की, उसमें बहुत ज्यादा दिन बेरोजगार नहीं रहा, मतलब मैक्सिमम जो बेरोजगारी रही देखिए 2 महीने की। तो और 14 सालों में इंडियन मैंने बहुत लोगों को अपने रिकमेंडेशन पर नौकरियां दिलवाई, मतलब काफी लोगों को। तो जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती गई, प्रॉफिट के पैसे खर्च होते गए, जिन लोगों को मैंने अपना सोचा था उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया। तो जीवन का एक दूसरा चेहरा सामने आया। एक तो हम लोग बहुत बड़े हिंदुवादी बन गए थे। एक कटु सत्य मैं आपको बताऊं कि जब मैं कोरोना से हटा तो मेरी सबसे ज्यादा मदद मेरे कंपनी के एक दूसरे एक एक ऐसे सीनियर आदमी ने की जो कि हिंदू नहीं था, जो दूसरे रिलीजन से विश्वास रखता था। उस आदमी ने मुझे ब्लाइंड सपोर्ट किया। जिस कंपनी के सीईओ ने मुझे 14 साल तक ये भरमाया कि तुम ब्राह्मण मैं ब्राह्मण, और 14 साल तक मैं उनको भगवान मान के काम करता रहा, और आई एम नोके पे उन्होंने अपना दिल्ली वाला कल्चर दिखा दिया। दिल्ली का कल्चर मतलब यूज करो और तो फेंक दो, और वो 14 साल तक यही गवाही देते थे कि अरे यार दिल्ली वाले बड़े बेकार वाले होते हैं। तो मैं सोचता था कि तो ब्राह्मण है, बड़े भाई है हमारे, मैं उनको खुदा की तरह मानता था। तो एक सबक मुझे मिला कि किसी को खुदा की तरह नहीं मानना चाहिए। जो उनके बाद के नंबर टू थे वो मेरे साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। वो हिंदू नहीं थे, क्रिश्चियन थे। और उस शख्स ने आज भी मेरे घर में जब पैसा नहीं होता है तो सबसे पहले पैसा वही भेजते हैं। तो मुझे जीवन का असली दिसंबर नवंबर 2020 के बाद मिला जब पैसे खत्म हो गए। आज यशवंत भाई मेरे रिश्तेदार, मित्र, मेरे इंडिया टुडे के सीनियर और इंडिया टुडे के जूनियर, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000 भेजा है। तब मेरे घर का खर्चा नवंबर की 15 तारीख से आज 1 जुलाई 2021 तक चल रहा है। तो मैंने, और दूसरी बात, जब मुझे कोरोना हुआ तो मेरी बीवी घबरा गई, अब तो इंडिया रोड में नौकरी नहीं करते, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। उस दौरान यहाँ पे एक लखनऊ में एक एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके मालिक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो चट्टान की तरह खड़े हो गए। तो दो चीजें जो हुई कि धर्म नाम की कोई चीज होती नहीं है। बात मुसीबत में सबसे ज्यादा आर्थिक मदद मेरे को एक मेरे क्रिश्चियन बड़े वरिष्ठ सहयोगी ने की, और जब मैं बीमार था तो मीसम अली खान जो कि एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी के मालिक थे, एक मुस्लिम थे, वो चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे, मेरी दवाई का इंतजाम, मेरा सब कुछ किया। मैंने ये फैसला लिया कि मैं अस्पताल में एडमिट नहीं होऊंगा, उन्होंने पूरा सहयोग किया और दवाई मेरे घर में पहुंचाई। रोज वो आदमी मुझसे व्हाट्सएप पे बात करते रहे, मेरा हालचाल लेते रहे, मेरा मनोबल बढ़ाते रहे। तो समझ में आ गया कि मजहब वही है जो मुसीबत में काम है। उस मजहब से, उस विचारधारा कोई मतलब नहीं रखना है जो आदमी को आदमी का दुश्मन बनाए।